वहाँ पे आप देखोगे वो हांगकांग का झंडा है, उसके साथ में चाइना का झंडा है सारे। और यहाँ पे देखो आप इस बड़े वाले स्क्रीन पे चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पूरी हो रखी है। एंड दिस इज़ द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल। अब देखो मतलब कितना बड़ा सा मॉल है यार ये पहाड़ के ऊपर। आपको ज़रा छोटा सा स्नीक पीक देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी बस ड्राइवर है, इतनी ह्यूज बस और इतने खतरनाक रस्तों पर जो चलाने वाली है, वो लेडी ड्राइवर है। यहाँ पे चारों तरफ मतलब इतना हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और 7 नंबर पियर से जाएगी हमारी फेरी। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जहाँ से हमने पुरानी वीडियो फिनिश करी वहीं से ये कंटिन्यूशन है हमारी नेक्स्ट डे की न्यू व्लॉग का। तो टुडे वी आर इन हांगकांग एंड वेदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड राइट नाउ वी हैव लेफ्ट आवर एयरबीएनबी। तो आज का दिन हम लोग स्पेंड करने वाले हैं देखने के लिए 3 टायर सिटी ऑफ हांगकांग। पूरा देखेंगे, आपको भी बताएंगे कि कैसा है हांगकांग इन 2024, क्या आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्या देखना चाहिए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू सी टुडे। भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे साथ साथ। एंड सो फार द सिटी इज लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। तो जी वॉक करते करते मेरे को ये स्टेयर्स दिखे हैं। स्टेयर्स पे सारे ये देखो, सारी मार्किंग्स देखो स्टेयर्स पे। 1904 सेंट लुई, 1908 लंदन, स्टॉकहोम। अच्छा ये ओलंपिक का ब्रिज है, सो दिस इज़ द ओलंपिक ब्रिज। और वहाँ पे आप देखोगे वो हांगकांग का झंडा है, उसके साथ में चाइना का झंडा है। सो हांगकांग इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। और एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है ओवरऑल कि हांगकांग इज़ सुपर क्लीन, मतलब बहुत ही सही क्लीनलीनेस के मामले में तो यार नो डाउट बहुत सुंदर है। और यहाँ से आप देखो ज़रा ऊपर से नज़ारे देखो हांगकांग के, वो है पैसिफिक कॉफ़ी। तो पहले हमने सोचा कुछ खाने से पहले करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, जो हमने कल नहीं कराए थे। करेंसी एक्सचेंज करा के देन विल गो हैव अ कॉफ़ी और प्रॉब्ली ईट समथिंग। यार इतना ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड है ना ये पूरा एरिया जहाँ हम रुके हुए हैं कॉजवे पे। यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पर ही था जो करेंसी एक्सचेंज है। सो वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये करेंसी एक्सचेंज पे हमें क्या रेट्स मिलते हैं। अगर अच्छे होंगे तो हम आपको रिकमेंड कर देंगे डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग, करेंसी एक्सचेंज है करेंसी नेक्स्ट वन। ओके थैंक यू। जहाँ पे हम गए थे पहले अभी करेंसी एक्सचेंज के लिए, वहाँ से लोकेशन चेंज हो गई है। गूगल मैप अपडेटेड लोकेशन नहीं दिखा रहा है। अभी हमने किसी से पूछा, उन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा अपोजिट हमें जाना है नेक्स्ट बिल्डिंग। तो जी हमें मिल गया करेंसी एक्सचेंज फाइनली। वो उधर दिखा रहा था बिल्डिंग है, बट इट्स ऑन दिस साइड। इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो हमने सोचा कि भाई एक बार देखते हैं पहले क्या रेट चल रहा है ना, फिर देखते हैं ये क्या रेट हमें दे रहे हैं। थैंक यू। सो जी फाइनली वी गॉट सम कैश, जिसके हमें बेहद ज़रूरत थी। सो अगर आपको भी कभी कराना है तो वी कैन शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्राइस जो हमें करेंसी का रेट मिला इट वॉज ओकेश, तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो हम जहाँ पे रुके हुए हैं कॉजवे बे विच इज़ इन हांगकांग आइलैंड, आई थिंक उस लोकेशन के हिसाब से दिस वॉज द बेस्ट रेट दैट वी गॉट। बाकी हमारे पास जो करेंसी है हम वो आगे जाके चंकित मैंशन, जो हमने बाकी लोगों के रिकमेंडेशन से सुना है कि वहाँ पर यू गेट द बेस्ट डील, तो बाकी हम वहाँ से कराएंगे। अभी हमें थोड़ी अर्जेंसी थी कैश की तो हमने करा लिया। तो जी वी वॉन्टेड अ क्विक बाइट, तो हमने सोचा 7-Eleven से फटाफट एक सैंडविच उठाया जाए। देन वी कैन हैव, तो यहाँ पे भी जो है कॉफ़ी है। यू वांट, बट इट्स कोल्ड, यू वांट हॉट राइट? तो हॉट वहाँ से ले लेंगे ना, अभी रास्ते में जो आया था कॉफ़ी स्टोर। सो आप प्राइसेस देख लो, ये दो सैंडविचेज आर 16 हांगकॉन्ग डॉलर ईच एंड ये रस्क इज़ $20, जो हमें बड़ा सही लगा था ये रस्क। सो 7-Eleven इज़ योर बेस्ट ऑप्शन फॉर अ क्विक बाइट। सो यहाँ पे आप अपने ऑक्टोपस कार्ड से भी पे कर सकते हो, टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड, और अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। सो वी हैव गॉट द कैश, सो अभी हम कार्ड से नहीं पे कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड एनी कन्वर्जन। तो हमने अभी कैश से ही, जितना मैक्सिमम होगा हम कैश से ही पे करेंगे, बाकी वी कैन पे बाई कार्ड एज वेल। बड़ा सही फैंसी स्टाइल का मिला है कॉइन, शेप देखो आप, क्वीन एलिजाबेथ दी सेकंड। और इसका रीज़न ये है कि हांगकांग जो है वो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड था टिल 1997। यहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है। आप देखोगे यहाँ पे हर तरफ ऐसे छोटे छोटे कैफ़े और स्टोर्स बने हैं। हमने अभी पीछे भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स को देखा था। आओ मानो फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। अभी हमने 7-Eleven से अपना फटाफट एक छोटा सा क्विक ब्रेकफास्ट लिया और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द बस स्टॉप। यहाँ पे बस स्टॉप काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, सारे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बनाम उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से रखा है, बट बिकॉज वी यूज़ गूगल मैप तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है यहाँ पे फिगर आउट करना कि हमें कौन सी बस लेनी है, किधर जाना है। हम लोग
अभी वॉक कर रहे हैं और अभी जिस एरिया में है ना, यहाँ पे चारों तरफ मतलब बहुत ही ज्यादा लोग हैं। आप नोटिस कर रहे हो, लॉट ऑफ बस स्टॉप्स एंड लॉट ऑफ बेकरीज। बट अभी हम लोग जा रहे हैं टू विक्टोरिया पीक, उसके लिए हमने लेनी है बस जो हमारा ऑक्टोपस कार्ट से चल जाएगा। ये बेसिकली मार्केट एरिया है यहाँ का, तो इस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ न्यू ईयर के डेकोरेशंस हो रखी हैं। आप देखो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बट एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे क्लीनलीनेस तो बहुत ही ज़्यादा है। साफ सफाई देख रहे हो आप इतनी भीड़ होने के बावजूद? ऑर्गेनाइज्ड केओस है, ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी अच्छा है। मतलब ओवरऑल तो हमारा इंप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं यार इस सिटी के। विक्टोरिया पीक जो है वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स था हमारे स्टे से जहाँ हम रुके हैं कॉजवे बे में। बट हमने वॉक करने की हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है। वैसे अगर फ्लैट सरफेस होता तो हम आराम से वॉक कर लेते, बट थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ के जाना है हमें और इसलिए हमने सोचा कि यार विल रादर टेक अ बस। ऑक्टोपस कार्ड है ही हमारे पास, टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड, वो बहुत ही सही कन्वीनियंट चीज़ है, वो हमने कल रात में ही टॉपअप करा लिया था। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि जो सारे नेम्स हैं सारे शॉप्स के, दुकानों के, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। या तो मेरे को पता नहीं है वो कैंटनीज़ है या चाइनीज़ है, बट सब और लेकिन इंग्लिश में भी साथ में लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स ईजियर टू रीड कि भाई क्या है जगह। तो जी हम आ गए अपने बस स्टॉप पे, हमें लेना है 23 नंबर। वैसे 15B भी यहाँ से जाती है टू द पीक लिखा हुआ है, मानो वी कैन टेक 15B ऑल्सो। सारी बसेज यहाँ पे डबल डेकर हैं आप देखो जी। हांगकॉन्ग जो है ना वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंजस्टेड सा लगता है अगर आप देखोगे, बट नो डाउट इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड, इतना ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना अभी तक कि बहुत, मतलब हमें बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो अब इस बड़े वाले स्क्रीन पे चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पूरी हो रखी है। ये वाली बस थी जो पोक फील्ड पे जाती है, बट वी डोंट हैव टू टेक दिस, मानो वी विल टेक द पीक टू द पीक। हम लोग अब जा रहे हैं बस नंबर 15 लेने के लिए फॉर द पीक एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर का डायरेक्ट बस राइड टू द पीक एंड दिस इज़ द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल। अभी तक पूरा खाली है ये वाला जो टर्मिनल है, सो आई थिंक बस भी खाली होनी चाहिए इस हिसाब से। और अगर बस खाली है तो आई थिंक दिस हैज़ टू बी द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑल्टरनेट वे टू ट्रैवल टू द पीक। तो ऑब्वियसली आप टैक्सी तो ले ही सकते हो, बट टैक्सी इज़ ऑन द हायर साइड। और अगर हम 2 लोग हैं तो हम मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर कर सकते थे टैक्सी से जाना, हो सकता है वापसी टैक्सी से आएँ, बट हमें एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला भी रूट एक्सप्लोर करना था और देखना था कि वो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड वॉन्टेड टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू एज वेल। तो हर स्टेशन पे पूरा स्केड्यूल दे रखा है, मंडे टू फ्राइडे कितने बजे आएगी, सैटरडे कितने बजे आएगी, अलग अलग दे रखा है, एंड पब्लिक हॉलीडेज एंड संडेज कब आएगी। तो इसमें आपको बता रखा है कि जैसे अभी क्या टाइम है 2:40, देन यू हैव टू लुक फॉर स्केड्यूल हेयर, 13 से 15 मिनट के टाइम के बीच में आएगी। तो अगर आपको बस से नहीं जाना है आप ट्रैम से भी जा सकते हो, ट्रैम थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है बट आपको एक्सप्लोर करना है, एक बार बैठना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से ट्रैम आपको विक्टोरिया पीक के लिए पड़ेगी ऑलमोस्ट $88। लोग वो नहीं करना चाहते थे अभी, मे बी विल टेक अ ट्रैम विद इन द सिटी सम टाइम। टैक्सी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ऊबर आप चलती है यहाँ पे, जिसमें आपको ऊबर टेस्ला भी मिल जाएगी। एंड द अदर ऐप दैट दे हैव इज HK टैक्सी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ऊबर से कंपैरेटिवली कम रेट है उनके। हमने सोचा था कि वो ऊपर आके बैठेंगे और सामने आगे वाली सीट लेंगे, बट वो पहले से ऑक्यूपाइड है, लोगों ने आगे वाली सीट पहले ही पकड़ रखी है। ये डबल टेकर बस है, 1 घंटे का रास्ता है, अब सीधा आपसे मिलेंगे द पीक में। जी मैं आपको एक बहुत ही सही चीज़ बता दूँ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू हांगकॉन्ग, कि ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे गूगल मैप्स कहते हैं कि बहुत अच्छे से चलता है, बट आई पर्सनली फील कि आप गूगल मैप को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको बस स्टॉप जो आपको डिटेल तो ऑनलाइन मिली जाएगी, खैर कि आपको कौन सी बस लेनी है, और हमने भी सारी डिटेल्स दे दी हैं, बट आपको यहाँ पे आने के बाद लोगों से पूछना पड़ेगा। तो पूछने का भी तरीका होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि आज हमने जितने लोगों से हेल्प मांगी है सारे सब ने हमें बड़े ही पोलाइटली ग्रीट किया और बड़े प्यार से हमें ढूंढ के और रास्ता भी बताने आए, जो कि एकदम ऑपोजिट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव हर्ड पीपल सेइंग अबाउट हांगकॉन्ग पीपल, हांगकॉन्गर्स, लोकल हांगकॉन्गीज जो होते हैं। बट हमने तो ऐसा नहीं फील किया, उसका रीज़न है कि हम पहले किसी से भी कुछ अप्रोच करने से पहले वी ऑलवेज ग्रीट देम एंड गिव अ स्माइल एंड देन आस्क द क्वेश्चन। यू कैन नॉट जस्ट सी कि अगर कोई बंदा खड़ा है आप उसके पास ऐसे रैंडमली जाके अगर पूछना भी चाहते हो तो ऐसा रैंडम जाके ऐसे बम मत फोड़ो, स्माइल करो, ग्रीट करो एंड देन आस्क इफ दे आर फ्री एंड देन आस्क देम जो भी आपका क्वेश्चन है, तो वो एकदम ही पोलाइट वे होता है पूछने का, एंड ट्रस्ट मी नोबडी वुड से नो टू यू। फाइनली हम पहुँच गए हैं पीक एक्सप्लोरर, ये वाली बस थी हमारी, और यहाँ पे लिटरली एक साथ अटैच करके रोकी है, तो वही एक्साइटेड है देखने के लिए। हाँ जी चलें जी, इतना सा फर्क है, चलो
और ये पीक गैलेरिया है, आई थिंक यहीं से एंट्री है हमारी। वाह यार, पहाड़ पे क्या बना रखा है इन्होंने। अब देखो मतलब कितना बड़ा सा मॉल है यार ये पहाड़ के ऊपर। तो जी जहाँ पे आपको आपकी बस उतारेगी ना, उससे थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ आना है, एंड देन यू विल फाइंड दिस बिग स्पेस। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। ये है आपका स्काईडेक का एरिया जो आपको वहाँ सामने दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं, लाइन लगी हुई है लिटरली ऊपर स्काईडेक पे जाने के लिए। और आज एक्चुअली वीकेंड भी है ना, फ्राइडे भी है ना इस चक्कर में। बट जो आपके हांगकॉन्ग सिटी के व्यू है ना, वो आपको उस तरफ मिलेगा। हम अभी आपको एक रास्ता बताते हैं। जैसे आप यहाँ से उतर के सामने से आओगे, आपको जाना है इस तरफ वॉक करते हुए। तो ये बेसिकली द हांगकॉन्ग ट्रेल है लुगार्ड रोड पे। तो आपको यही ट्रेल फॉलो करते हुए स्ट्रेट की तरफ जाना है। आप यहाँ से भी देख रहे होगे, आपको ज़रा छोटा सा स्नीक पीक देता हूँ कि हमें क्या बढ़िया व्यूज़ नज़र आने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हांगकॉन्ग सिटी है। हम लोग अभी हांगकॉन्ग आइलैंड के ऊपर हैं और वो उस तरफ है हांगकॉन्ग सिटी, और ये है पूरा हांगकॉन्ग आइलैंड जिसके ऊपर हम हैं। यहाँ पे एक अलग सी हवा में कितनी फ्रेशनेस है यार, ठंडक भी है। ये ट्रेल अपने आप में इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना यार। तो जी ये जो व्यू है ना ओवरऑल, ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 10 मिनट की वॉक है ये पूरा ट्रेल जो है। अभी तक हमें बहुत ही सही लग रहा है, नो डाउट। अपने आप में ये पूरा का पूरा जो व्यू पॉइंट है ना, ये अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार है यार। अभी ठंड है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि गर्मी में कैसा लगता होगा, बट आपको मेरे पीछे वो ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, वो है हमारा स्काई डेक यहाँ का हांगकॉन्ग का। मानो स्काई डेक के क्या प्राइसेस थे, 300 के आसपास था यार। अभी हमने चेक नहीं किया, बट हमें स्काई डेक पे नहीं जाना था बिकॉज काफ़ी सारे स्काई डेक हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमें थोड़ा सा एक ऑफ बीट पाथ चाहिए था, हमें थोड़ा सा ऑफ बीट कुछ एरिया ढूंढ रहे थे हम जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो जी ये रहा आपका प्रॉपर व्यू पॉइंट। माय गॉड, ओह ब्यूटीफुल, नेक्स्ट लेवल। दिस इज सो वर्थ द 10 मिनट वॉक। दिस इज सो ब्यूटीफुल है ना, सो नाइस। तो आप मेरे पीछे पूरा का पूरा हांगकॉन्ग का नज़ारा ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक दिस प्लेस विंस द सीक्रेट स्पॉट लोकेशन अवार्ड फ्रॉम अस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड हमें तो आई थिंक ये जो रिकमेंडेशन मिला, आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट। तो अगर आप भी कभी हांगकॉन्ग ट्रैवल करते हो, देन दिस इज़ योर प्लेस टू कैप्चर पिक्चर्स व्हेन देयर इज़ नोबडी अराउंड। बिकॉज यूजली व्हाट हैपेंस इज़, अगर आप कहीं पर भी फोटोज़ क्लिक कर रहे होते हो, स्पेशली स्काई डेक पे, तो एवरीवेयर देयर लाइक लॉट ऑफ पीपल, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है और आपको मेरे पीछे पूरा ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वॉक करते करते बताते हैं, हम ज़रा वापस चलते हैं। तो मैं आपको सोचा एक चीज़ बताऊं, ये मेरा सेकंड जो मैंने पहले बोला उसको ही मैं कंटिन्यू करता हूं कि यहाँ के लोग जो है लोकल हांगकॉन्गर्स, हांगकॉन्गीज जो बोला जाता है उन्हें, बहुत ही अच्छे हैं यार। मतलब जो हमारा एक इंप्रेशन बना हुआ था बिकॉज ऑफ सो मेनी वीडियोज़ दैट वी हैव सीन, जो भी लोग बोला करते थे बहुत अच्छे हैं। ऐसे हम अभी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे तो लिटरली जो भी क्रॉस किया वो रुक करके उन्होंने बोला है कि विल क्लिक सम पिक्चर्स फॉर यू, चेक इट इफ इट्स फाइन, और भी क्लिक करनी है तो बता दो। एंड एवरीवन इज़ लाइक दैट, नॉट जस्ट वन सिंगल पर्सन। सो जी आफ्टर दिस व्यू पॉइंट हम गए इस रेस्टोरेंट में इन द मॉल विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो जी फटाफट ऑर्डर करते हैं कुछ और फिर जैसे ही हमारा खाना आता है आपको दिखाते हैं कि क्वालिटी कैसी है। 150 हांगकॉन्ग डॉलर्स के अप्रॉक्सीमेटली एक मील है। तो फटाफट खाते हैं और फिर आपको बताते हैं और फिर नीचे चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है आज इस वीडियो में। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड इफ यू एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो। तो जी ये हमारी कॉफ़ी आ गई, और ये कॉफ़ी कितने की है मानो, बिल भी आ गया ना शायद। दिस इज $42। सो दिस इज $42, दिस इज़ द बिल। और बिल आ चुका है हमारा 174 हांगकॉन्ग डॉलर। बट एनी वेज कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इतनी ठंड में गर्म कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हमने मंगाया है पैनकेक्स विद कैरमलाइज बनाना। कैसा है सर? ये मुंह में घुल गया। दिस इज लाइक कॉटन कैंडी। दिस इज नॉट पैनकेक, दिस इज सूफ्ले। फाइनली वी आर बैक ऑन द बस नंबर 15 एंड वी आर गोइंग बैक टू द सिटी सेंटर, बेसिकली सेंट्रल जहाँ पे लेके जाएगा बस टर्मिनल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमारी बस ड्राइवर है, इतनी ह्यूज बस और इतने खतरनाक रास्तों पे जो चलाने वाली हैं, वो लेडी ड्राइवर है। तो जो भी लोग ऐसे डाउट करते हैं ना लेडी ड्राइविंग के ऊपर, वो ना करें कृपया करके। सो हम ना एक्चुअली हमें जाना था जहाँ पे सेंट्रल बस टर्मिनल, हम उससे पहले ही उतर गए यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा लाइवली लग रहा था एरिया, तो वी जस्ट गॉट ऑफ। एंड यहाँ पे चारों तरफ मतलब इतना हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और चारों तरफ ऐसे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। सो राइट नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग, टेकिंग अ स्ट्रोल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हांगकॉन्ग।
gives you that Times Square vibe. Yeah, मतलब ये वाला area जो है ना specially बहुत next level है यार. बहुत ज़्यादा beautiful है, lot of people और एकदम ही चारों तरफ screens लगी हुई हैं आपके और इतना bright और इतना colorful लग रहा है ना. Roads are clean. मतलब this actually we have not been to Times Square but we can easily compare this to that looking at all the videos and pictures, है ना? But I'm sure कि जितना organized यहाँ पे है ना उतना नहीं होगा Times Square में because there of course there are a lot of people but हर कोई line में चल रहा है. यार इतना ज़्यादा lively, इतना ज़्यादा colorful है ना ये पूरा area. मतलब अपने आप में ना just walking in the city itself gives you another vibe. It feels like as if you have traveled in time. जैसा मैंने पहले भी बोला है अपनी वीडियोस में that I personally like Egg Tart a lot. तो यहाँ पे ना हांगकॉन्ग में एक स्टोर है कॉल्ड ताई चोंग कैफे करके. इट्स प्रीटी फेमस एंड हमने यहाँ पे रिव्यूज़ में भी देखा था कि यहाँ का जो Egg Tart है वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है. ऐसे 5 minutes वॉकिंग है. यहाँ पे हम खड़े थे अभी सेंट्रल स्टेशन के बैक साइड वाले एरिया में. तो यहाँ पे सारे स्टोर्स और सारे कैफेज और ऑल द बिग ब्रांड्स आर हेयर. अब जैसा आपको पता है हांगकॉन्ग जो है वो पूरी की पूरी सिटी है, पहाड़ी रास्ते पे बसा हुआ है. तो पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में ना यू लिटरली हैव टू क्लाइंब. तो अगर आपको वॉकिंग की आदत नहीं है तो आपकी बुरी हालत हो सकती है. ये स्ट्रीट देखो, यहाँ पे लोग वॉक करके जा रहे हैं. ऐसी स्टेयर्स बने हुए हैं एंड यू कैन जस्ट वॉक बहुत ऊपर तक. जाना है हमने. आई एम नॉट इन द मूड. चलते हैं कुछ अभी. यार टाइम मिस हो जाएगा. हमें ताओचांग बेकरी जाना है. हाँ. उसके बाद विक्टोरिया हार्बर पे वो एंजॉय करना है अपना सिम्फनी ऑफ लाइट्स. कल भी हम नहीं देख पाए थे. कल तो हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम लिटरली वहाँ जाके सो गए. सही है, सही है? काफ़ी जगह देखा थी सर. मिनी ऑरेंजेस, ऑरेंज गिफ्ट करते हैं वो लक लक के लिए. हमें भी तो मिला था, भूल गए. अब मेरे को लास्ट ईयर ऑफिस से मिला था, ऑरेंज मिले थे. ये भी था ना, बड़े ऑरेंजेस भी हैं. नहीं नहीं, आई थिंक वो खोल रही है, बंद कर रही है. बंद कर रही है, क्लोजिंग इट. सो वैसे तो गूगल मैप्स पे इसकी टाइमिंग लिखी हुई थी 7:30 बट इट्स 7 o'clock और ये पीछे इन्होंने बंद कर दिया है. क्या बात है, हॉर्न की बजा रहे हो आप लोग. तो पीछे ये 7:30 की टाइमिंग थी, 7 बजे इन्होंने बंद कर दिया. सो प्रॉब्ली आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा. सो नो वरीज, हम तो अभी हैं यहाँ पे, हम फिर से आगे खा लेंगे. तो दी अदर प्लेस इज यू डोंट हैव नूडल्स. वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ ऑल द गुड प्लेसेज. सो देर इज मार्क्स नूडल सेंट्रल 77 वेलिंगटन स्ट्रीट. वेलिंगटन स्ट्रीट बगल में ही था जहाँ से हम अभी आए, जहाँ पे वो स्टेयर्स थे. तो लेट्स गो ओवर देयर एंड ट्राई मार्क्स नूडल. Oh, luckily we found a seat. But यहाँ पे वेजिटेरियन लोग के लिए भी है. So they even have plain flat rice noodle, mushroom noodle with oyster sauce. अगर आपको oyster से problem नहीं है और fish वाला concept आपको उतना सॉस में फ्लेवर में नहीं है तो आप खा सकते हो. बट हाँ, कुछ कुछ हैं जो बिना मीट के हैं, वही ट्राई करने वाले हैं. And spoon fork नहीं मिलेगा guys. हमारे chopsticks पहले ही आ चुके हैं. This came complimentary. I think this is some sort of tea. हमारे दोनों soup noodle आ चुके हैं. ये इसका मशरूम और ये मेरा flat rice noodle. And मतलब quantity बहुत कम है as compared to the price. But still इतना ज़्यादा famous है तो वही try करते हैं, खा के बताते हैं. फटाफट खाते हैं क्योंकि हमें जाना है इसके बाद. बहुत ज़्यादा शोर होगा यहाँ पे और हमें जाना है इसके बाद सिम्फनी ऑफ लाइट शो देखने के लिए. हम लोग खा के निकले और यहाँ पे अभी तक कितनी भीड़ है एंड देयर आर मोर पीपल कमिंग इन. ओह, तो जी हमें ऑनेस्टली इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया मार्क्स नूडल पे. इट वाज ओकेश. हमें राइट जाना है लेफ्ट. सो जी हमने पे किया टोटल अराउंड 138 हांगकॉन्ग डॉलर फॉर द टू ऑफ अस एंड ऑनेस्टली ओके ओके था. आप अपने हिसाब से देख सकते हो. बट ये वाले मार्क्स नूडल जो वेलिंगटन स्ट्रीट पे, उसके ऑपोजिट एक और डम्पलिंग वॉन्टॉन की शॉप थी, उधर ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लग रहा था. इस पर भी लाइन लगी हुई थी, उस पर भी लाइन लगी हुई थी. बट लुकिंग एट द बोल आई थिंक वो वाला ज़्यादा बेटर होता. जो सिम्फनी ऑफ लाइट शो होता है वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा. हमें बेसिकली एक फेरी लेके उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पे सिम्फनी ऑफ लाइट शो होता है. रीज़न बींग वी आर ऑन दी हांगकॉन्ग आइलैंड और यहाँ से आपको ऑपोजिट जाना पड़ता है उस तरफ, बिकॉज जो शो है वो यहाँ वाली जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर होता है. सो विल हैव टू वॉच इट फ्रॉम दी अदर साइड. जी वी फाइनली रीच दी सेंट्रल साइड. यहाँ से पियर नंबर 7 से चलेगी हमारी फेरी. चलो चलो चलो.
ओह वी वर द लास्ट पीपल। तो यहाँ से 7 नंबर पियर से जाएगी हमारी फेरी टुवर्ड्स द अदर साइड। भाई साहब यहाँ से जो नज़ारे हैं, एंड वी आर वेरी लकी दैट वी हैव कम हेयर एट दिस टाइम, बिकॉज अभी वो सिम्फनी ऑफ लाइट्स वाला पूरा शो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ से पूरा का पूरा लाइटिंग और नज़ारे का मज़ा ले सकते हो। दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दिस इज़ फॉर फ्री, दिस इज़ फॉर फ्री बट दिस इज़ द चीपर ऑप्शन। भाई साहब आप भीड़ देखो यहाँ पे लाइट शो देखने के लिए। वैसे ही खड़े रहो, मानो आ जाओ पीठ पे बैठा लूँगा ऊपर कंधे में। क्योंकि स्टार्ट हो गया ये, उसके ऊपर से भी लाइट प्रोजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जी जैसा हमने सुना था सिम्फनी ऑफ लाइट्स के बारे में, एकदम वैसा ही निकला। इट वॉजन दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, बट जो व्यूज़ है ना वो ज़बरदस्त है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 8 बजे नहीं आ पाए तो आपको कुछ मिस हो जाएगा। थोड़े बहुत लाइटिंग और वो स्टार्ट कर देते हैं 8 बजे के आसपास। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जो रश था ना उस हिसाब से आई थिंक कि अगर आप 8:15 या फिर उससे पहले भी आ रहे हो और यू कैन स्टिल इन्जॉय द व्यू फ्रॉम विक्टोरिया हार्बर। सो हमारे हिसाब से अगर आप मिस भी कर दो तो इट्स फाइन एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो या यू कैन जस्ट कम एंड एंजॉय। अब हम आए हैं सिमसा सुई की तरफ। आते ही हमें दिख गया यहाँ पे मोबाइल सॉफ्टी का एक बैन, तो हम खाएंगे पहले एक आइसक्रीम विच इज़ $13। नहीं खाऊंगी मैं, लूँगी बिल्कुल भी, आप खाइए। ओ सो दिस इज $13। तो आप खुद ही कॉमेंट करके बताओ कि ये कितना वर्थ है या नहीं है। हाँ मतलब गाइस हमें पता है हांगकांग के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है, सस्ता है हांगकांग के स्टैंडर्ड के हिसाब से। आई थिंक इट्स स्टिल फाइन कंसीडरिंग कि जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है हांगकांग उस हिसाब से, तो दिस इज़ गुड। एंड अब खा के ही बताएंगे, खा के आप एक बाइट तो लेके बताओ। ऐसे क्या ही होगा, वनीला आइसक्रीम है यार, सेम। तो जी सिम्फनी ऑफ लाइट्स वाला जो शो होता है ना, इट स्टार्ट्स एट 8 PM एंड एंड्स एट 8:10, तो 5 से 10 मिनट के आसपास होता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पता भी नहीं चलेगा आपको कब स्टार्ट हो गया, बिकॉज लाइटिंग इतनी हर जगह हो रखी होती है ना। तो एनी वेज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मतलब किसी भी टाइम आओ आप, 7 बजे आओ 8 बजे आओ, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। वी आर जस्ट राइट इन द हार्ट ऑफ सिमसा सुई, जो कि बेसिकली आप सेंट्रल एरिया कह सकते हो हांगकांग का। आई फील वो वाला जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना कॉजवे वे, दैट्स स्लाइटली मोर हिप, ये भी अच्छा है, बट आई लाइक दैट। सारे होटल और सब कुछ यहाँ पे आपको। सो जी वी हैव कम टू चंकिंग मेंशन। ये देखो ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन हांगकांग, और ये फेमस है अपनी कम्युनिटी के लिए, जो यहाँ पे सारी एशियन कम्युनिटीज़ है। आप ये देखो जी, यहाँ पे आने के बाद भाई रजनीगंधा की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो जी वी हैव गॉट $386 फॉर अराउंड $50 जो हमने दिए। और ये जगह जो है ना जहाँ आ रखे हैं चंकिंग मेंशन, यहाँ पे आने के बाद आप इंडिया को मिस नहीं करोगे। यहाँ पे समोसे दिखे यार अभी, रजनीगंधा बिक रहा है भाई। तो इंडियंस पाकिस्तानी बांग्लादेशी भरे हुए हैं यहाँ पे। चलें जी कुछ खाएँ, आओ आ जाओ। सेलिंग हांगकांग ट्रेडिशनल फूड। तो अगर आप आ रहे हो चंकिंग मेंशन के एकदम ऑपोजिट है, हमने से काफ़ी रिव्यूज सुने थे, दिस इज कॉल्ड यू कैन रीड इफ यू कैन रीड चाइनीज, बट चंकिंग मेंशन के एकदम ऑपोजिट है, तो उससे हमें पता था। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की, और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, तो आप उससे लगा लो कि कितना ज़्यादा फेमस होगा ये। इनके पास पैनकेक भी है, एग वॉफल भी है, नॉस्टैल्जिया एग वॉफल। तो आई थिंक मैकडॉनल्ड से बढ़िया क्विक मील आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग मैकडॉनल्ड्स आ गए। तो अब हम जा रहे हैं 7-Eleven, वहाँ से लेंगे पानी की बॉटल। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया बाय द वे, कि भाई हमारे हिसाब से हांगकांग 100% सेफ है और पूरा वेल डेवलप्ड। अभी हमारे पीछे एक स्ट्रीट पे लिटरली जो वर्कर्स रात में सफाई करते हैं, वो रगड़ के, मतलब लिटरली रगड़ रगड़ के रोड साफ कर रहे थे, चमका रहे थे, यहाँ पे घिसाई कर रहे थे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. थक गया आज. बहुत स्लो बाय बोला इसने, बहुत धीरे से बाय बोला. ठीक है, तुसी चंगे हो? बाकी सब फर्स्ट क्लास है.